इस्लामाबाद के हीरो इमाद वसीम आखिर सोशल मीडिया पर विलन कैसे बन गए? जी हाँ, वही इमाद वसीम जिनके सभी जगह चर्चे हैं, क्योंकि इमाद वसीम ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को तीसरा टाइटल जिताने में एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। लेकिन क्या आपको वो वायरल वीडियो याद है जब इमाद वसीम इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए एक मैच खेल रहे थे और क्राउड में कुछ बाबर आजम के फैंस मौजूद थे और सभी फैंस ने बाबर आजम के नाम से ही इमाद वसीम को चिढ़ाना शुरू कर दिया और बार बार बाबर आजम के नारे लगाए, जिससे इमाद वसीम काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए। और वो दिन है और आज का दिन है, चाहे इस्लामाबाद यूनाइटेड हो या सामने कोई ओपोनेंट हो, सभी ने एक बदलते हुए इमाद वसीम को देखा और ऐसा लगता है कि जो इमाद वसीम टूर्नामेंट में आए थे और जो टूर्नामेंट से बाहर जाएंगे वो एकदम अलग इमाद वसीम है। जी हाँ, जो इमाद वसीम टूर्नामेंट की शुरुआत में ना ही उतने इफेक्टिव नज़र आ रहे थे अपनी गेंदबाजी से, ना ही बैटिंग से कंट्रीब्यूट कर पा रहे थे, लेकिन जब से ये वीडियो वायरल हुआ है या कहें जब से ये इंसिडेंट सामने आया है, तब से इमाद वसीम इस्लामाबाद यूनाइटेड को 3 नॉकआउट मुकाबले अपने दम पर जिता चुके हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन तीनों मैचेस में इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए इमाद वसीम ने प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी जीता। अब चलिए एक एक करके जरा इन मैचेस की बात करें तो सबसे पहले आता है एलिमिनेटर वन, जब इस्लामाबाद के सामने थी क्वेटा की टीम। इस मैच में इमाद वसीम ने इकोनॉमिकल गेंदबाजी की और सिर्फ 12 रन देकर 3 विकेट चटकाए, जिसके दम पर इस्लामाबाद की टीम ने एकदम एक तरफा मैच कर दिया और क्वेटा को इस मैच में वापसी का एक भी मौका नहीं दिया। और ये शुरुआत थी उस इमाद वसीम की जिसे फैंस ने क्राउड में बैठकर चिढ़ाया था। इसके बाद अगर दूसरे मैच की बात करें यानी एलिमिनेटर टू की बात करें, तो इस बार जलवा दिखाया इमाद वसीम ने बल्ले से, क्योंकि इस बार इस्लामाबाद को उनकी बल्लेबाजी की ज़रूरत थी। टारगेट चेस करते हुए लगभग 40 या 50 रन पर 4 विकेट गिर चुके थे और ऐसा लग रहा था कि इस्लामाबाद की टीम यहीं से टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, लेकिन उसके बाद इमाद वसीम ने बैटिंग से जिम्मा संभाला और खेली गई 40 बॉल्स में 59 नॉट आउट रहे और टीम को, और आखिरी की 2 बॉल्स पर एक छक्का और एक चौका लगाकर टीम को फाइनल में पहुँचाया। फाइनल आते आते इमाद वसीम बॉलिंग भी कर चुके थे, बैटिंग भी कर चुके थे और क्या शानदार तरीके से कर चुके थे, लेकिन जब फाइनल आया तो इमाद वसीम ने बैटिंग भी की और बॉलिंग भी की। जी हाँ, खेले गए इस मैच की बात करें तो मुल्तान सुल्तान ने पहले बल्लेबाजी की और इमाद वसीम ने इस मैच में एक ऐसा स्पेल डाल दिया जिसने ना ही इस्लामाबाद को तीसरा टाइटल जिताया बल्कि रिकॉर्ड बुक्स में भी अब इमाद वसीम का नाम दर्ज हो चुका है। जी हाँ, इमाद वसीम पहले गेंदबाज बन चुके हैं जिन्होंने एक PSL फाइनल में एक फिफर चटकाया है। इस मैच की बात करें तो इमाद वसीम ने सिर्फ 23 रन देकर 5 विकेट चटकाए और पूरी तरह से मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद जब बल्लेबाजी से भी उनकी ज़रूरत आन पड़ी तो इमाद वसीम ने वहां भी स्टेप अप किया और खेली गई सिर्फ 17 बॉल्स में 19 रन बनाए और ये इंश्योर किया कि वो जो नसीम शाह और हुनैन शाह के लिए काम बचा था वो बहुत थोड़ा सा बचा था। और इसी के साथ नसीम शाह और हुनैन शाह ने वो काम किया और साथ में इस्लामाबाद की टीम तीसरी बार PSL की चैंपियन बनी और इसमें बड़ी भूमिका निभाई इमाद वसीम ने, जो कि एलिमिनेटर वन में प्लेयर ऑफ द मैच थे, एलिमिनेटर टू में प्लेयर ऑफ द मैच थे और फाइनल में भी वो प्लेयर ऑफ द मैच बने। इसके बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी वजहों के चलते वो ट्रोल हो रहे हैं, मतलब नेगेटिव वजह से भी और पॉजिटिव वजह से भी, क्योंकि सबसे पहले अगर बात करें तो जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया, कुछ फैंस कह रहे हैं कि वो अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे शाहिद अफरीदी गेंदबाजी कर रहे हैं, मतलब जब वो गेंदबाजी करते हैं तो लगता है शाहिद अफरीदी गेंदबाजी कर रहे हैं, जब बैटिंग करते हैं तो लगता है कि ग्लेन मैक्सवेल बैटिंग कर रहे हैं। जी हाँ, कुछ ऐसे पॉजिटिव कमेंट्स देखने को मिले इमाद वसीम को लेकर। लेकिन इसी बीच एक ऐसा इंसिडेंट भी हुआ जिसकी वजह से इमाद वसीम को बहुत ट्रोल होना पड़ा। जी हाँ, इस मैच के बीच जब इमाद वसीम अपना स्पेल पूरा कर चुके होते हैं तो एक कमेंट आता है कमेंटेटर्स की ओर से, जो कहते हैं कि शायद एक इंजरी की वजह से या फिर किसी ना किसी वजह से वो ड्रेसिंग रूम वापस जा चुके हैं। और इसके बाद एक स्क्रीन पे विजुअल आता है पाकिस्तान टीम के, या कहें कि पाकिस्तान के इस खिलाड़ी का एक विजुअल आता है जो कि स्टैंड्स में बैठे होते हैं, ड्रेसिंग रूम में बैठे होते हैं और वहाँ पर वो स्मोक कर रहे होते हैं। और ये फोटो आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल जाती है कि इमाद वसीम फिफर चटकाने के बाद स्मोक करते हुए नजर आए इस्लामाबाद यूनाइटेड के ड्रेसिंग रूम में, जिसके बाद सभी फैंस दो हिस्सों में बट गए। एक तरफ लोगों का कहना था कि ये बहुत शर्मनाक बात है कि इतने बड़े लेवल का क्रिकेटर एक लाइव मैच में स्मोक करता हुआ नजर आया, जबकि दूसरी तरफ कुछ फैंस का कहना था कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपने एक फिफर चटका दिया, आपने एक ऐसी पोजीशन में अपनी टीम को पहुंचा दिया है जहां से शायद आप इस मुकाबले को जीतने के लिए फेवरेट्स हो चुके हैं, तो चलिए थोड़ा सा रिलैक्स तो बनता है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे थे तो जाने देते हैं। लेकिन ऑफिशियल रूल्स क्या कहते हैं? अब कई बार अगर आप इंटरनेशनल मैचेस की बात करें या ऑफिशियल मैचेस की बात करें तो वहाँ ये रूल होता है कि आप मैदान में या फिर मैदान के आसपास जहाँ भी आप कैमरे की नज़र में हैं आप स्मोक नहीं कर सकते। लेकिन इसके अलावा पहले कई इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जहां पर प्लेयर्स को स्मोक करते हुए देखा गया। एक बेन स्टोक्स का इंसिडेंट याद आता है, एक बांग्लादेश प्रीमियर लीग में ऐसा इंसिडेंट याद आता है। तो ऐसा होता है कुछ लीग्स अलाउ करती हैं प्लेयर्स को कि वो ड्रेसिंग रूम में रहकर स्मोक कर सकते हैं।
लेकिन इसके बाद भी सोशल मीडिया पर फैंस ये बात जानने के लिए काफी क्यूरियस हैं कि क्या इसके बाद इमाद वसीम पे कोई एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि आप लाइव मैच में कैमरा के सामने इस तरह की हरकत करते हैं तो वो डेफिनेटली टूर्नामेंट के लिए एक अच्छा साइन नहीं है। लेकिन जिस तरह का परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है, हो सकता है कि इस वजह से उन्हें इस बात के लिए माफी भी मिल जाए। लेकिन फैंस इसके बाद दो हिस्सों में बढ़ चुके हैं और अपनी अपनी राय सब इस मुद्दे पर रखते जा रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है, जिन्हें इमाद वसीम को पाकिस्तान की टीम ने ठुकरा दिया, बाबर आजम के साथ इतने रिफ्ट की खबरें आईं और फैंस उन्हें जाकर मैदान में चिढ़ाने लग जाते हैं, लेकिन उसी इमाद वसीम ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए तीनों नॉकआउट मैचेस में, तीनों हाई प्रेशर गेम्स में परफॉर्म किया, प्लेयर ऑफ द मैच भी बने और इस्लामाबाद को तीसरा टाइटल दिलाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। अब ऐसे में क्या आपको लगता है कि इस परफॉर्मेंस के बाद इमाद वसीम की वापसी हो सकती है पाकिस्तान टीम में? और साथ में जो उनका वीडियो वायरल हुआ है जिसकी वजह से ये कह रहे हैं हम कि इस्लामाबाद के हीरो बनने के बाद भी विलन बन गए सोशल मीडिया पर इमाद वसीम, क्या इसके अगेंस्ट कोई एक्शन होगा? आपको क्या लगता है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।